तो दोस्तों बिहार बीएड इट एग्जाम फॉर्म का जो लिंक फाइनली एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आप सभी लोग आज से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो में मैं बताने आ चुका हूँ कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप सभी बातें बताऊँगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक सारा प्रोसेस अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। और हां दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूं, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो सीईटी 2023 का है। तो नीचे आइएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और देन आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक पेज ओपन और होगी जहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा। यहाँ से आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा क्योंकि दोस्तों आप न्यू यूजर हैं, पहली बार आप लॉग इन कर रहे हैं, पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा। जैसे न्यू यूजर पर आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगी जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन के रूप में ये सारा डाटा मांगा जाएगा और ये सभी डाटा को अच्छे तरीके से सही सही फिल कर देना। जहाँ पर आपका नाम मांगा जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जो आप पासवर्ड बनाइएगा उसको क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट कैसे कीजिएगा, आपका एक कैपिटल लेटर होगा, एक स्मॉल लेटर होगा, एक आपका स्पेशल की होगा, उसके बाद एक आपका डिजिट होगा, एक दो तीन को डालकर फाइनली अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड बनाने के बाद अपना कंट्री कोड का जो डाल लीजिएगा 91 जो रहता है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर देन जो कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जो फाइनली आप है साइनअप पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप साइनअप पर क्लिक कीजिएगा तो कंफर्म करने के लिए आपको एक और मैसेज दिया जाएगा, तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ऊपर में पूरा रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। देख सकते हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स पूरे अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा कि मैंने जो डाला सही सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आप कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा ऑप्शन एक्टिवेट योर द रजिस्ट्रेशन, उसको आप क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर आपका एक्टिवेशन के लिए कुछ कोड भेजा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपको कोड भेजा जाएगा, इस तरह से आपका एक्टिवेशन कोड भेजा जाएगा। उसके बाद एक्टिवेट करने के लिए ये लिंक भेजा जाएगा, तो आपको सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करना। जैसे इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये कोड को फिल करने का पेज ओपन हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल दीजिएगा। यूजर नेम तो आपका वही होगा जो आपका ईमेल आईडी होगा, ठीक है, और जो आपका एक्टिवेशन कोड भेजा गया था जो मैं आपको दिखाया था, उस कोड को यहाँ पे फिल कर देना है और देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको उससे पहले मैसेज दे दिया जाएगा कि आपका अकाउंट है जो एक्टिवेट कर दिया गया है, यूजर आईडी जो ईमेल आईडी था उस पासवर्ड के अनुसार आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है फाइनल तरह से कंफर्म हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डन हो जाएगा। उसके बाद आप और तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको आगे का जो प्रोसेस है फॉर्म फिल कर लेना है। तो आगे जाने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेकर आया हूँ जो ये रहा। तो दोस्तों अगर चाहते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का तैयारी करना तो चक्षु पब्लिकेशन के तहत बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए गाइड लाया गया है। जो नीचे आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आपको 500 में पेपर मिलेगी, 2100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। यहाँ पर आपको गारंटी दिया जाता है कि 100% आपका सिलेबस के तहत ये डिजाइन किया गया है को। उसके बाद तो नीचे आइएगा तो ये आपका है नवीनतम पाठ्यक्रम परीक्षा के प्रति के आधार पर यह बनाया गया है, यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तक से श्रेष्ठ है। तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। जिस साइन पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से ओपन होगी जहाँ से आप अपना ईमेल आईडी, जो आपका यूजर नेम है और जो आपने पासवर्ड बनाया था उसे कंफर्म कर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो फाइनली दोस्तों इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ से अब आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, यहाँ से आप माय एप्लीकेशन पे क्लिक करके जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा डाटा फॉर्म फिल करने का जो है आपको ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको चूज करना होगा सबसे पहले यहाँ पर बी एड का कॉलम और देन प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो एक और आपको पूछा जाएगा एड द प्रोग्राम, यस करके आप इस कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिएगा प्रोग्राम को और देन आगे का प्रोसेस कीजिएगा। तो ये रहा, यहाँ से फाइनली आपका
फॉर्म फिल करने का जो है रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस है ओपन हो जाएगी, और इतने तरीके से इतने स्टेप में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। जहाँ पे तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपको यहाँ पे इतने चरणों में इतना स्टेप में आपको प्रोसेस को करना है। जो आप प्रोसेस कर लीजिए कंफर्म, उसके बगल में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का टिक मारा जाएगा, यानी कि आपने ये स्टेप है जो पूरी तरह से कर लिया है। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स पहला है, सेकेंड में आपको अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स, अपलोड करना आपको फोटो एंड सिग्नेचर, थर्ड में आपका एजुकेशनल डिटेल्स, फोर्थ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फाइव में आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, एंड सिक्स और जो लास्ट है आपको प्रीव्यू एंड कंफर्म, यानी कि फॉर्म को अच्छी तरह से देख लेना है, उसको कंफर्म कर लेना है। चलिए सभी को फटाफट मैं कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहला दोस्तों जो प्रोसेस है, दोस्तों मैं ये पीडीएफ फाइल के थ्रू बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा विजुअली इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेंट डिटेल्स में जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ पे अपना डाल लीजिएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में जो चूज किया था आपका नाम आपका डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स है वहाँ पे चूज करके आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना एड्रेस हो गया चूज कर लीजिएगा, फिर परमानेंट एड्रेस और जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर आप चाहते हैं सेम करना तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगी, इस बॉक्स को आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। देन आपका वो दोनों कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद अब आइएगा आगे, यहाँ पे कंफर्म में आप क्लिक कर लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्म, तो आपका फाइनली जो है एप्लीकेशन डिटेल्स है वो फिल हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा अपलोड फोटो सिग्नेचर में, तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा फोटो जो फाइल के रूप में होगा, जो भी आपका एपीजी फॉर्मेट में होगा, और जो भी आपको रिजोल्यूशन दिया हुआ उसके अनुसार, और 100 KB के अंदर का फोटो होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप चूज कीजिएगा यहाँ पे आपका नाम दिखा दीजिएगा और अपलोड पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ जो फोटो है आपको यहाँ पे इमेज दिखा देगा, उसी तरह से आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है, तो सिग्नेचर भी यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, और सिग्नेचर आपका भी 100 KB के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पर आपको वो नाम दिखा देगा जो भी आप सिग्नेचर चूज कर रहे हैं। देन आप अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया वो भी यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद फाइनली आप यहाँ क्या कीजिएगा, नेक्स्ट है जो सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो देख सकते हैं आपका एजुकेशनल डिटेल्स आएगा, तो एजुकेशनल डिटेल्स आप चूज कर लीजिएगा। एजुकेशनल डिटेल्स में चीज नहीं मांगेगा आपका टेंथ ट्वेल्थ और आपका सिंपल सा बीएड किए हुए हैं उसका आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स मांगेगा, वो आप एंट्री कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप आइएगा, यहाँ पे आपको इतना तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, और किस तरह से अपलोड करना है यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से बातें बताया गया, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। इसी बीच वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी इमेज 200 KB तक ही होना चाहिए, ठीक है। आपको पहला जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स वो सेकेंडरी मार्कशीट अपलोड करना है, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का फ्रंट साइड का, उसके बाद पीजी का आपको फ्रंट साइड का अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको चूज करना होगा, सबसे पहले आप चूज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो भी सेकेंडरी मार्कशीट है वहाँ पर आ जाएगी, और देन अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका ओरिजिनल में दिखा दीजिएगा कि क्या क्या है आपने अपलोड किया, आप यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको हायर सेकेंडरी भी आपको यहाँ से चूज करना होगा, और देन अपलोड पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, ठीक है। उस तरह से पीजी का, उस तरह से ग्रेजुएशन का भी आपको यहाँ से चूज करना होगा, और देन यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट अगर आप पीजी किए हुए हैं तो आपको पीजी का चूज कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके, और देन आपको अपलोड पर क्लिक कर देना, आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फाइनली आप आइएगा नीचे और देख सकते हैं यहाँ पर आपका सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका फॉर्मेट सही तरीके से होगा वहाँ पर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। उसके बाद अब आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना, तो एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने तरीके से चूज कर लीजिएगा। तीन आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा, पहला में आपको जो डालना डाल सकते हैं, दूसरा में कोई और डाल सकते हैं, तीसरा में कोई और डाल सकते हैं। देन आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो फाइनली आपका यहाँ पे फॉर्म है पूरी तरह से दिखा दिया जाएगा कि आपने फॉर्म में ये पूरा डाटा को फिल किया है। जरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको देखते यहाँ पर आपको पूरा दिखा दिया जाएगा पूरा कि आपने पूरा डाटा फॉर्म में अप्लाई किया है, तो ये डाटा आपने किया है। आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, किस तरह कोई गड़बड़ियाँ हैं तो आप अभी यहाँ से सुधार कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे सुधारने के लिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे गो बैक पर क्लिक करके जो भी आपका गलतियाँ आप वहाँ से सुधार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका सारा डाटा एंट्री किया हुआ सही है तो आप यहाँ पे इस बॉक्स को कंफर्म पे क्लिक करके टिक मार दीजिएगा, और देन कंटिन्यू कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। कंफर्म एंड सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फाइनली तो आपका फॉर्म है जो फिलअप हो जाएगी। दोस्तों देखते हैं इस तरह से फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको शो कर दिया जाएगा कि आपने
ये फॉर्म को इधर से फिलअप कर लिया है। उसके बाद अब आएगा पेमेंट का ऑप्शन, तो यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन चूज कर लेना है। आप जो भी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, SBI नेट बैंकिंग थ्रू या नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा। और देन आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड पे आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लेना। जो भी आपका है, कुछ चार्ज भी कटेगी हो सके तो, जैसे कि यहाँ दिख सकते हैं 5 पे कट रहा है। देन उसके बाद जो भी आपका पेमेंट है पेमेंट कर दीजिएगा। इस तरह से फाइनली आपका फॉर्म है जो पूरी तरह से फिल हो जाएगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी आप सभी के लिए, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में जरूर शेयर कर देना। और चाहते हैं ताकि न्यूज़ अप टू डेट रहना तो प्लीज मेरे चैनल से बन जाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।